नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने सीखेंगे। तो आज अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये रहा फर्स्ट, 3x² - 5x + 2 = 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इससे हम दिए हुए इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। तो x² तो a की वैल्यू 3 मिल जाएगी, a = 3, और b की वैल्यू इक्वेट करने के बाद b की वैल्यू -5, b = -5, और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो 2, c = 2। ये हमें a, b, c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, x = -b + √b² - 4ac / 2a, ठीक ना। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग a, b, c की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये रहा माइनस, और b की वैल्यू -5 + √b² b² की वैल्यू -5² -4 × a, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2, तो ये हो गया। फिर 2 × a की वैल्यू रख देंगे तो a की वैल्यू 3। तो ये पहले फॉर्मूला लिखा, फिर इसमें वैल्यू पुट किया, अब इसको सॉल्व करा जाएगा। तो देखिए, दो माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा, +√5² = 25 एंड -2 = +, तो 25 − 4 = 3 = 12 = 24 / 3 = 6, 5 + −25 − 24 = 1/6। तो ये हो गया 5 + √1 आता है / 6। देखिए, ये प्लस और माइनस में है, तो एक बार हम लोग टेकिंग पॉजिटिव साइन और अगली बार लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। तो इसको लिख लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक ना। और यहां पर लिख लेते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक ना। तो ये इसको हम स्प्लिट कर देंगे, एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे। तो +5 + 1/6, ठीक ना, एक x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और एक बार माइनस में, तो 5 - 1/6, 5 + 1 = 6, 6 × 1 = 6, तो x की वैल्यू 1, और इधर 5 - 1 = 4/6, 2 से कैंसिल जाएगा, 2 × 2 = 2, 3 × 6, तो x की वैल्यू 2/3। तो रूट्स क्या आ गए इसके, 1 और 2/3, ठीक ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, 2x² - √2x + 1 = 0। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, इसको भी लिखते हैं। दिस इक्वेशन इज
ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हम इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ए का ये जो होता है कोफिशियंट, तो इसके एक्स स्क्वायर के पहले जिसको कोफिशियंट बोलते हैं तो ए इक्वल टू टू, तो ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू माइनस टू रूट टू, तो बी इक्वल टू माइनस टू रूट टू और सी इक्वल टू वन। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए माइनस, अब ये बी की वैल्यू यहाँ रख लिया, माइनस माइनस है और ये बी की वैल्यू ये रखा है, तो इसको लिख लेते हैं माइनस टू रूट टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ये पूरी वैल्यू, तो माइनस टू रूट टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए की वैल्यू टू और सी की वैल्यू वन अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू टू, ठीक ना। ये फॉर्मूला, इस पर मैंने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दो माइनस है तो दो माइनस कैंसिल, तो प्लस, तो टू रूट टू प्लस माइनस रूट अंडर, इसका स्क्वायर करना है, यहाँ मैं स्क्वायर करके अच्छे से बता देता हूँ, माइनस टू रूट टू होल स्क्वायर, तो इसको इसका मतलब स्क्वायर का मतलब दो बार, तो इसको दो बार लिख लेते हैं, टू रूट टू माइनस टू रूट टू इंटू माइनस टू रूट टू, ठीक ना। तो माइनस में दो माइनस कैंसिल आता है तो कैंसिल हो गया, टू टू जा फोर इंटू रूट टू इंटू रूट टू टू, ठीक ना, रूट टू का रूट टू में इंटू होता है तो टू रूट हट जाता है, तो टू टू जा फोर एंड टू टू जा टू फोर टू जा एट एट माइनस फोर टू जा एट एट वन जा एट अपॉन फोर टू टू जा फोर, तो इसको कर लेंगे एट माइनस एट जीरो अपॉन फोर, रूट जीरो मतलब नहीं हुआ, इसको हो जाएगा टू रूट टू अपॉन फोर प्लस माइनस जीरो, ठीक ना, रूट टू ये। अब इसको भी हम टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन ले लेंगे, लिखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेने पर x की वैल्यू टू रूट टू प्लस जीरो अपॉन फोर और यहाँ लेंगे x इक्वल टू टू रूट टू माइनस जीरो अपॉन फोर। किसी भी नंबर में अगर जीरो को ऐड करेंगे तो नंबर ही रहता है, जीरो का कोई मतलब नहीं रहा, तो ये है टू रूट टू अपॉन फोर, टू वन जा टू टू जा, ये आया रूट टू अपॉन टू। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको ले सकते हैं, इस टू को ले सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, ठीक ना, टू को रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू रूट टू का इंटू करेंगे तो टू वापस, ठीक ना, ये आ जाएगा, तो रूट टू वन जा रूट टू वन जा, तो ये आया वन अपॉन रूट टू, ठीक ना। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, टू रूट टू माइनस जीरो मतलब यही टू वन जा टू टू जा, ये भी सेम वैल्यू आ रही है। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, इस टू को रूट टू इंटू रूट टू लिखा जा सकता है, तो रूट टू वन जा रूट टू वन जा, तो ये वन अपॉन रूट टू, देखिए सेम रूट आया, ठीक ना, तो वैल्यू कितनी आ गई, वन बाय रूट टू और वन बाय रूट टू आया, ठीक ना।
तो ये हो गया। तो आज हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और एक्स की वैल्यू फाइंड करना हमने सीखा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के संग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।